कुछ एम्प्लॉय टाइप के होंगे, तो उनसे क्या करवाता है कि वो जाके बोलते हैं कि दुकान दुकान में जाओ और इस चार्जर की मांग करो। मिलेगा तो नहीं क्योंकि किसने खरीदा नहीं, किसने दुकान पर भी नहीं रखा, लेकिन तुम जाके मांग करो। तो सब लोग जाते हैं, ये चार्जर मांगते हैं। मांगने के बाद दुकानदार देख के ये सोचते हैं कि भाई इसकी इतना डिमांड है, मैंने तो रखा नहीं। वो हो जाता है कि मेरे पास आया था, मैंने रखा नहीं, तो उसको समझते हैं कि गलती किया उसने। तो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं रख दूंगा, फिर अगले मतलब रखने की प्लानिंग करता है। तो उसे वो जो सेल्स पर्सन है वो दिखता है साइड में जाते हुए। वो सेल्स वाला बंदा तो छुप छुप के जा रहा है कि पिछली बार लगभग मारने वाला था उसको। तो फिर उसको बोलाता है अरे इधर आओ इधर आओ। फिर उससे सेल्स चार्जर रख लेता है, तो वो 50 चार्जर का ऑर्डर दे देता है। ठीक है, तो ऑर्डर देने के बाद जब वो दे रहा होता है तब जाके तभी एक और आदमी आता है और वो आदमी एक चार्जर खरीद लेता है। ठीक है, तो वो सोच देख के सोचता है अरे भाई आने से पहले बिक गया। तो बोलता है अरे काम करो, 50 नहीं तो मुझको 100 का ऑर्डर कर दो। तो यही होता है सारे सेल्स के बंदों के साथ। फिर जब आके वो मालिक को बोलता है, मालिक आपने ऐसा क्या कर दिया इन 2 दिनों में कि सब लोगों का पूरा वही बदल गया कि जो लोग लेना नहीं चाहते थे वो बुला बुला के ले रहे हैं। तब मालिक जाता है दुकान में, फिर दुकान में जाके वो अपना कंपनी का चार्जर मांगता है और 200 रुपए दे के वो खरीद लेता है। फिर वो मन ही मन खुश होता है कि मेरे मतलब मैंने ये कर दिखाया कि मेरा जो चार्जर है वो हर दुकान में है। और चार्जर अच्छे क्वालिटी का था, अगर क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एक दिन चलेगा, लेकिन उसमें अच्छी क्वालिटी का था इसलिए वो चला। ठीक है, तो और कैसे हो भाई लोग, एक और स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। उसमें क्या होता है कि एक नॉर्मल दिन होता है, पुलिस ऑफिसर जो है एक का नाम है जैक और एक का नाम है मार्क। ठीक है, वो दोनों अपने ड्यूटी को खत्म करके वापस, मतलब उनका टाइम खत्म हो चुका था, वो लगभग थोड़ी देर वेट करके घर जाने वाले थे। ठीक है, तब उनको एक कॉल आता है, कॉल मतलब रेडियो में कॉल आती है। अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर रेडियो होता है पुलिस के पास जिसमें कॉल आता है कि उनको कॉल नहीं आता कि कोई भी ऑफिसर हो यहाँ पे रिस्पॉन्ड करो, तो जो चाहता है वो रिस्पॉन्ड कर सकता है। क्योंकि उनका टाइम खत्म हो चुका था, शिफ्ट खत्म हो चुका था, उनको कोई रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं थी। फिर भी उन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, एकदम उनको जरूरत नहीं थी उस दिन रिस्पॉन्ड करने की, उनका सब कुछ शिफ्ट खत्म हो चुका था, आराम से घर जा सकते थे। तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्स में एलिगेशन ये था कि एक आदमी था, उसका कुछ गाड़ी जो है वो चोरी हो रहा था। एटीवी, मतलब एटीवी पता होगा आपको, जो ऑल टेरेन व्हीकल होता है जो बालू में रेत में जा सकता है। तो वो एक चोरी हो रहा था और उसके पास के घर वालों ने पुलिस को फोन किया था। तो एटीवी जो चोरी कर रहे थे वो 3 लोग थे। ठीक है, तो उन्होंने गए वहां पर, जाते हुए जाके देखा कि वहां पे 3 लोग हैं, और उनको देखते ही, पुलिस को देखते ही वो तीनों भागने लगे। ठीक है, और यहाँ पे जैक और मार्क जो है अपने पुलिस खड़ी में उनका पीछा करने लगे। पीछा करते करते वो लोग एकदम डेड एंड में पहुंच गए। डेड एंड में पहुंचने के बाद वो लोग अटक गए। फिर वहां पे फिर वो मार्क जो है वो वहां से उतरा, पुलिस गाड़ी से उतरा और उनके पीछे चला गया। ठीक, उनको उसको चेज करने लग गया। चेज करने के बाद तब तक क्या 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 किया उसने, जो तीसरा बंदा था चोरों का, उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं उतर के इस एटीवी को इस गाड़ी से खोल देता हूँ ताकि हम जल्दी से जा पाए और इस पुलिस से भाग जाएंगे, मतलब गाड़ी ज़्यादा तेज चले। तो वो उतरा और खोला उसने और एटीवी गिर गया। पर गाड़ी में जो 2 लोग बैठे थे उसने उसका इंतजार नहीं किया, वो लोग चल दिए। ठीक है, चल दिए, और क्योंकि डेड एंड था उन्होंने घुमाया थोड़ा फिर चल दिया। ठीक, तो उसके पीछे मार्क दौड़ रहा था। ठीक है, मार्क दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते उसके पार्टनर जैक ने कार के रियर व्यू मिरर से देखा कि उसका जो मार्क जो उसका जो पार्टनर है वो अचानक अंधेरे में गायब हो गया। कुछ समझ में नहीं आया उसे। ठीक है, उसने गाड़ी मोड़ा कि फिर घूम मतलब तब तक वो घूम चुका था, तब तक वो वाला गाड़ी घूम के आ चुका था। तो उसने रियर व्यू मिरर में देखा, उसने गाड़ी मोड़ा और उसके पीछे 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 जाने गया। जाते जाते देखा उसको रास्ते में कहीं मार्क का कुछ नहीं दिख रहा, मार्क मिली ना वो सामने जाए, ना गाड़ी है ना मार्क है। ठीक है, तो हुआ ये कि जो तीसरा बंदा था वो थोड़ी देर बाद उस गाड़ी में चढ़ गया था, तो इसलिए वो तीसरा बंदा गाड़ी से चला गया। लेकिन मार्क क्यों नहीं मिल रहा, वो उसके दिमाग में ये चला था कि मार्क कहाँ गया, उसका जो पार्टनर है वो कहाँ गया। जाते 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 उसको मिला नहीं। बहुत दूर चेज करने के बाद उसे मतलब उसने देखा कि गाड़ी तो मिल नहीं रहा, तो उसने गाड़ी का पीछा करना छोड़ दिया, अपने दोस्त को ढूंढने लगा। वो रास्ते वापस जाते जाते इधर उधर देखे जा रहे कि कहाँ पर है मार्क, कहाँ पर है, उसको मिला नहीं। फिर केस ये हुआ कि वो तीनों जो है वो पकड़े गए रोड पर। ठीक है,
और जो मैं गली था, मतलब एक छोटा सा रास्ता था, उससे जाके उन्होंने मेन रोड पे एंटर किया। तब वहां पे पुलिस और, क्योंकि रेडियो में कम्युनिकेशन होते रहता है तो उनको पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो और लोग बैकअप के लिए आ चुके थे और वो मेन रोड पे जा रहे थे, ठीक है। फिर उन्होंने गाड़ी को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको रोक के पकड़ लिया। लेकिन पकड़ने के बाद भी उस गाड़ी में भी मार्क नहीं था, तो इनिशियली जैक को लगा था कि मार्क जो है वो गाड़ी में कूद चुका है उनके साथ, तो इसलिए वो चला गया। लेकिन उस गाड़ी में भी मार्क नहीं मिला। तो क्या हुआ, क्या था, हुआ ये था कि जो एटीवी को जिसमें बांधा था उसमें एक रस्सी से बांधा था, रस्सी का एक छोरा गाड़ी में बंधा हुआ था और दूसरा छोरा जो एटीवी को खोलने के लिए जो खोला गया था वो ऐसे ही गिरा हुआ था रस्ते में। तो जब मार्क वहां पे गया तो उसके पैर में वो रस्सी फंस गया और मार्क को खींचते खींचते वो लोग लेके गए। और इस खींचने की वजह से आपको पता है कितना डेंजरस है, तो वो उसमें उसकी जान चली गई अनफॉर्चुनेटली। तो जैक को दिखा नहीं क्योंकि इतने दूर खींचा गया और इतने छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब वो छोटे छोटे, मतलब इधर उधर पटक पटक के चीजें गिरी हुई थी चार छोटे छोटे टुकड़ों में, तो इसलिए दिखा नहीं। तो बाद में जब इन्वेस्टिगेशन टीम आई उधर दिन को देखा तो उसको आई कार्ड बेल्ट वो सब मिला, ठीक है, जो इधर उधर ब्लड के निशान मिले। तो अब यह है कि अब कोर्ट में गए वो लोग कि इन लोगों ने मर्डर का चार्ज लगाया, चोरी से मर्डर का चार्ज बन गया। तो उन लोगों ने फिर कोर्ट ने उनको सजा नहीं दिया। अब पता नहीं, मतलब प्रोसिक्यूटर जो है जो सजा दिलवाना चाहता है, मतलब पुलिस की टीम से, पुलिस का जो लॉयर है, उसने कहा कि आप किसी ऐसे आदमी को पीछे लगा के आप चला ही नहीं सकते गाड़ी। आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पता ना चले कि एक आदमी आपके पीछे टंगा हुआ है जो इधर उधर मारे जा रहा है। ठीक से कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे आप कंट्रोल तो कर लोगे लेकिन आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कोई बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी आपने गाड़ी नहीं रोकी। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशन के कारण उनको छूट मिल गई। तो छूट मिलने के बाद सबसे सबसे बुरी बात यह थी कि जो मार्क का जो गर्लफ्रेंड है वो उसके केस के लिए सुनवाई में जा रही थी, उस मतलब वो हेल्प कर रही थी, तो उसने कहा कि मैंने देखा उन तीनों ने, उन तीनों को कोई रिग्रेट नहीं था, वो तीनों को कोई रिग्रेट नहीं था। और वो लोग उनको देख के, उनको मतलब मीडिया की तरफ देख के उन्होंने मुस्कुरा रहे थे, वो तीन तीन लड़के ऐसे मतलब फनी फेसेस बना रहे थे कि हाँ हमने जीत लिया, हमें कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे बिल्कुल ही इनसेंसिटिव रिमार्क्स, मतलब एक्सप्रेशन दे रहे थे। तो इसलिए क्या किया, उसके गर्लफ्रेंड ने एक बिल पास करवाया, मतलब खुद तो नहीं करवा सकते लेकिन लॉबी किया कि, मतलब बहुत सारे मिनिस्टर से बात किया, मेंबर से बात किया, तब फिर एक बिल पास करवाया कि ऐसे अगर किसी क्राइम सीन पर चेज करते हुए किसी ऑफिसर की डेथ होती है किसी भी कारण से, तो उसको मतलब एक सीरियस ऑफेंस की तरह चार्ज किया जाएगा। मर्डर तो नहीं हो पाया, मर्डर की तरह चार्ज नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस की तरह चार्ज किया जाएगा।